हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए ड्राफ्टिंग और कटीन दोनों साथ में लेके आए हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए हम ड्राफ्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, वो मशीन का काम नहीं होने पर सुई को डैश कर देना चाहिए नीचे ऊपर निकाल या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का नाप लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण निम्न में से कौन सा है? स्केल, मेजरिंग टेप, रेस्टिंग हीरर या थ्रेड? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए ड्राफ्ट के लिए, एक से दो बीप की लंबाई छाती के नाप का चौथा भाग प्लस एक इंच। तो हम बीप का छाती का नाप लेंगे 24 इंच, छाती 24, तो इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो 6 आएगा 6 इंच, तो उसमें प्लस एक इंच मिलाना है तो हमारा आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद 1 से 4 बीप की चौथाई करीब 6 से 7 इंच लेना है, 6 से 7 इंच, तो हम यहाँ ले रहे हैं 6 इंच। तो ये 6 इंच पे निशान लगा देंगे। पहले हम नंबर डाल देते हैं 1 से 2, इधर आएगा 4, उसके बाद 4 से 3 बीप की लंबाई छाती का चौथा भाग प्लस एक इंच मिलाना है, तो उसमें यहाँ पे भी हमारा 7 इंच होगा, तो 7 इंच पे इस तरह निशान कर दे रहे हैं। उसके बाद 2 से 3 बीप की चौथाई 6 से 7 इंच, तो यहाँ हम 6 इंच लेंगे जैसे ऊपर लिए थे। उसके बाद 1 से 5 छाती का 12 भाग प्लस 1 इंच, तो 12 भाग हमारा 2 इंच आएगा, तो उसमें हम प्लस 1 इंच कर देंगे, तो यहाँ पे 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे हम निशान लगा देंगे और नंबर डाल देंगे 5, इधर से हमारा फोल्ड रहेगा। वन से सिक्स छाती का 12 भाग, तो इधर भी हम 12 भाग 2 इंच आता है, तो इधर 2 इंच पे हम निशान लगा देंगे। इधर हमारा 5 नंबर आएगा और इधर हमारा 6 नंबर। उसके बाद 6 से 7 2 इंच लेना है इधर की साइड, तो इधर हम 2 इंच ले लेंगे और नंबर डाल देंगे। उसके बाद 2 से 8 हमें 1.5 इंच लेना है, तो इधर 2 से 8 हम 1.5 इंच लेंगे और नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमें 5 से 6 राउंड शेप देना है, ऐसे से पहले हम हल्का हल्का कर लेंगे डॉट, उसके बाद हम डार्क कर देंगे ताकि आपको नज़र भी आ जाए। ये हो गया। उसके बाद 4 से 9 2.5 इंच लेना है नीचे की तरफ, इस तरह से। यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे 9 का। उसके बाद 9 से 10 भी हमें 2 इंच लेना है नीचे की तरफ, तो ये नंबर डाल दिए। उसके बाद हमें 7 से 9 में राउंड शेप देना है, तो पहले हम इसे डॉट डॉट दे देंगे, उसके बाद हम डार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद 8 से 10 में भी राउंड शेप देना है
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो गया, तो अब हम पेपर पे कटिंग करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो ये मैंने पेपर ले लिया है, अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से फोल्ड कर देना है, एकदम बराबर से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इधर 1 से 2 हमें छाती का चौथा भाग लेना था, तो उसमें प्लस 1 इंच करना था, तो ये 7 हो गया। इधर से हमें 6 इंच लेना, 7 या 6 ले सकते, तो हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं। तो ये हो गया 1 से 4 का 6, और इधर से भी हम 4 से 3 में भी 7 इंच लेंगे, इधर से 2 से 3 में 6 इंच। अब इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसमें मैं नंबर डाल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हमें छाती का 12वां भाग लेना था, 1 से 5, उसमें प्लस 1 इंच मिलाना था, तो ये हो गया 3 इंच। उसके बाद इधर हमें 12वां भाग लेना था सिर्फ, तो इस यहाँ 2 इंच आएगा 24 का। तो इस तरह से हम देके और राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद 6 से 7 हमें 2 इंच लेना था, तो इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद 4 से 9 हमें 2.5 इंच लेना था। उसके बाद 9 से 10 हमें 2 इंच लेना था। इधर 2 से 8 1.5 इंच। उसके बाद इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे, और इधर से 7 से 9 में भी राउंड शेप देंगे। इस तरह से आप चाहे तो 1 इंच ऊपर भी करके कटिंग कर सकती है। आप चाहे तो इसका लेंथ भी ज़्यादा ले सकते हैं बच्चे के हिसाब से। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसका ड्राफ्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये क्लास 0 से चल रहा है, आप हमारे पीछे जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में। इस तरह से कट कर लेना है। इसका स्टिचिंग मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। इस तरह से मैं 3 इंच पे भी कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये कट चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, बाय।